सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। साथ ही आपको मेरे चैनल के ऊपर शेयर मार्केट के रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे, स्टॉक एनालिसिस के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ सके। और अगर आपने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के अलग से फायदे आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको रेगुलरली इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन मिलता है, साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन मिलता है, एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी मिलती है, और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। डे ट्रेडिंग के लिए आपको रेगुलरली बाय और सेल लेवल्स मिलेंगे, कहाँ पे बाय करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है, साथ ही एक प्रीपेड चार्ट मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए। तो ये आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, तो इसलिए जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंबरशिप की लिंक आपको दे दी है। प्लैटिनम मेंबरशिप के अंदर आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी मिलता है, जहाँ पे आप मुझे अपने क्वेरीज जो है वो इजीली पूछ सकते हो और मैं आपको गाइडेंस जो है वो एनी टाइम दे सकती हूँ। तो जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में भी आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहां से भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वही अगर आपको प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी है तो आप डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे पैसे भेज सकते हो और अपना जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वो मुझे मेल कर दो, ताकि मैं आपको मेरे व्हाट्सएप में ऐड कर सकूं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग कहाँ पे आई है, तो 15,853 के पास निफ्टी आज बंद हुआ है। तो देखिए, कल ही मैंने बात की थी कि आज तो निफ्टी 800 के ऊपर चला गया है। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखना यह है कि निफ्टी 850 के ऊपर जाता है कि नहीं, और आज निफ्टी ने हमें 850 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो दे दी है। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें निफ्टी ने कौन सी कैंडल फॉर्म की है, तो डेली चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल निफ्टी ने आज भी फॉर्म की है, और 780 के अबाव सेकेंड कैंडल निफ्टी ने, एक पॉजिटिव कैंडल निफ्टी ने फॉर्म की है। तो यहाँ से आगे जैसे हमने सोचा था कि निफ्टी ने यहाँ से बाउंस बैक तो ले लिया है, अभी फिर से निफ्टी हमें 900 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने कल आपसे ये बात भी कही थी कि अगर आप यहाँ से बाइंग के लिए गए हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए नियर 880 के पास। उसके ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप और ज्यादा के लिए जाओगे और ज्यादा के प्रॉफिट के लिए जाओगे तो वहां से या फिर यहां से भी निफ्टी यू टर्न ले सकता है, तो आपका सारा नुकसान होगा। तो इसीलिए टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा। आई होप कि आप लोगों ने 880 के पास आज अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया होगा। उसके ऊपर की बात हम लोग तब ही कर सकते हैं जब निफ्टी 900 और 920 ये पूरा जोन क्लियर करेगा, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जाएगा और एक पॉजिटिव कैंडल जो है वो इसके ऊपर फॉर्म करेगा, तभी यहाँ से अपसाइड के जर्नी की हम लोग बात कर सकते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, यहाँ से आगे निफ्टी कहाँ पे बढ़ सकता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मेरे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है,
तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 16,000 के ऊपर है। और कल भी हमने देखा था कि अगर निफ्टी 850 ब्रेक करता है अपसाइड के लिए तो डेफिनेटली निफ्टी हमें 16,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए निफ्टी को क्या इम्पोर्टेंट रहेगा कि 800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड रखे। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी हमें डेफिनेटली 16,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ हम लोग आती हुई देख सकते हैं। अगर निफ्टी 800-850 का जोन अच्छे से होल्ड रखता है, इंट्राडे में भी इसके नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ से हमें निफ्टी के अंदर 900 के ऊपर जाने की स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई दे सकती है। अभी अगर कॉल साइड में देखें तो अपसाइड से पोजीशंस की एग्जिट भी हमें हुई दिखाई दे रही है। देखिए 16,200 के ऊपर 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हुई है। वही आज सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पे हुई है तो 15,900 के ऊपर हमें सबसे ज्यादा राइटिंग जो है वो दिखाई दे रही है। वही कंपैरेटिवली अगर देखें पुट साइड में तो पुट साइड में भी हमें 15,900 के ऊपर राइटिंग दिखाई दे रही है, पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ पे कल अच्छी खासी पोजीशन बिल्डअप हो जाती है, पुट राइटिंग हो जाती है, तो निफ्टी हमें डेफिनेटली 15,900 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ से निफ्टी चांसेस है कि 15,950 तक भी जाए। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हो जाती है, राइटिंग हो जाती है, तो वही पुट साइड में अगर देखें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800 के ऊपर बना हुआ है। वही हाईएस्ट पुट राइटिंग भी हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। कल हमने देखा 700-750-800 के ऊपर हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग निफ्टी में दिखाई दे रही थी, जिस वजह से निफ्टी हमें 800 के ऊपर स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। अभी अगर देखें तो आज 800-750 और 850 के ऊपर हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए अच्छा खासा बेस जो है वो डाउनसाइड के लिए बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और निफ्टी यहाँ से 800 और 850 होल्ड करेगा तो डेफिनेटली 3 से 4 सेशंस के अंदर निफ्टी हमें 16,000 और उससे भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन डेटा हमने देख लिया है, तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी के। तो एक बार हम लोग 30 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट देख लेते हैं। तो आज की अगर बात करें तो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 15,808 के पास, और वहाँ से निफ्टी ने लो किया था 15,764 का, यानी कि आज 750-780 का सपोर्ट निफ्टी ने होल्ड रखा फर्स्ट ऑफ ऑल। और वहाँ से हमें एक अच्छी खासी जो है वो बाइंग दिखाई दी और मार्केट के अंदर तेज़ी भी दिखाई दी। और निफ्टी ने फर्स्ट ऑफ ऑल 800 के ऊपर कंसोलिडेशन किया, 800 के ऊपर स्टेबल हुआ, पॉजिटिव रहा 30 से 40 मिनट के लिए, और उसके बाद में निफ्टी ने 850 के तरफ अपना नेक्स्ट जो मूव है वो हमें दिखाया। और वहां से निफ्टी ने हाई किया था 15,877 के पास, और 880 के पास निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस था। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी कि अगर यहाँ पे निफ्टी आता है तो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिएगा, ज्यादा के लिए मत जाइएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसे ही 880 के आसपास आया निफ्टी, वहां से हमें गिरावट जो है वो दिखाई दी और निफ्टी अभी बंद हुआ है 853 के पास। तो 850 के ऊपर की क्लोजिंग हमें आज निफ्टी ने दे दी है। तो यहां से आगे की अगर बात करें तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए यहां से 15,840 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे
के ट्रेड करता है 15 से 30 मिनट के लिए। ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स जो है 3 से 4 कैंडल अगर बेरिश बनती है, निगेटिव बनती है, तो यहाँ से निफ्टी और ज्यादा वीक होगा 15,780 एंड 15,760 के तरफ निफ्टी हमें बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए अगर 15,880 के ऊपर की ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से निफ्टी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 15,920 के रेजिस्टेंस तक जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर यहाँ पे हमें एक सस्टेन मूव देखने को मिलता है तो निफ्टी हमें 15,950 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग होती है 880 के ऊपर या फिर 900 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे देखना है निफ्टी 880 और 900 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए कैंडल्स जो है वो पॉजिटिव बन रही है तो यहाँ से निफ्टी के चांसेस है और ज्यादा अपसाइड के जाने के 940 950 तक के। वही डाउन साइड की बात करें तो देखिए, अगर 800 के नीचे की ओपनिंग होती है तो यहाँ से निफ्टी हमें 750 और 710 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कभी कभी क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होने के वजह से पूरा जो इंट्राडे का मूव होता है वो पहले ही चला जाता है और फिर मार्केट जो है वो कंसोलिडेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। तो अभी निफ्टी के लिए हमने देख लिया है, चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और कल ही मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी बैंक हमें यहाँ से पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दे सकता है और आज निफ्टी बैंक हमें पूरे सेशन के लिए पॉजिटिव ही रहता हुआ दिखाई दिया और फर्स्ट ऑफ ऑल 35,400 और 450 का लेवल निफ्टी बैंक ने होल्ड रखा। देखिए, इस लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक आज हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और अभी फिलहाल क्लोजिंग है 35,668 के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन डेटा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन डेटा है। कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 36,000 के ऊपर है और आज सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है 35,800 एंड 900 के लेवल के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर निफ्टी बैंक 35,500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से निफ्टी बैंक का नेक्स्ट मूव डेफिनेटली 36,000 का लेवल रहेगा और जैसे ही 36,000 क्लियर होगा निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाईस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था 35,450-500 का लेवल होल्ड रखना। अगर निफ्टी बैंक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता है तो निफ्टी बैंक के अंदर एक स्ट्रेंथ हम लोग आती हुई देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक को और अपसाइड के लिए लेके जाएगी। वही डाउन साइड की बात करें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 35,500 के ऊपर। वही पुट राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा आज 35,700 के ऊपर। तो देखिए, निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो जैसे अभी मैंने कहा, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होगा तो और निफ्टी बैंक नीचे गिरेगा 35,000 और 34,500 तक। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है अभी के लिए फिलहाल, जो अगर ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर टिक भी जाता है तो यहाँ से आगे 3 से 4 सेशन में निफ्टी बैंक हमें और 1,000 पॉइंट्स चढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। धीरे धीरे करके चढ़ेगा, लेकिन अगर देखें तो पहले से बेहतर हो चुका है निफ्टी बैंक। पहले बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में था, अभी उतना कंसोलिडेटिव नहीं है। अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है हम लोग को इंट्राडे में। सो अभी ऑप्शन चेन डेटा हमने देख लिया है, चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 35,510 एंड 450
50 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल से नीचे फिसल जाता है या फिर इस लेवल से नीचे ट्रेड करता है 30 से 40 मिनट के लिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स जो है वो निगेटिव बनती है, आप 15 मिनट चार्ट यूज़ कर सकते हो इसलिए इसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैरिश हो जाता है, निफ्टी बैंक बैरिश कैंडल फॉर्म करता है, तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 35,350 एंड 35,150 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 35,750 का लेवल। अगर इसको पार कर लिया तो निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 35,890 का लेवल और इसके बाद में 36,080 का लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज Zomato IPO ओपन हो चुका है और अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। Zomato के बारे में अगर बात करूँ तो एक लीडिंग फूड सर्विस है और इस IPO के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप चाहते हो अपना डीमैट अकाउंट अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर खोले जहाँ पे आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के समय कोई भी तकलीफ ना हो, तो आप अपस्टॉक्स के थ्रू अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपस्टॉक्स की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।